दोस्तों ये है छपरा, जो भारत के बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित एक शहर है। यह घाघरा नदी और गंगा नदी के संगम के समीप बसा हुआ है। यह नगर 18वीं शताब्दी में तेजी से विकसित हुआ, जब यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट बनाने के कारखाने लगे थे। छपरा सारण प्रमंडल का मुख्यालय भी है। गोरखपुर गुवाहाटी रेल मार्ग पर छपरा एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, जहाँ से गोपालगंज एवं बलिया के लिए रेल लाइनें जाती है। यह घाघरा नदी के उत्तरी तट पर बसा है। इस नगर को 1864 में ही नगर पालिका घोषित किया गया था। अगर आप सभी को BR04 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती दिख जाए तो समझ जाए कि आप छपरा जिले में प्रवेश कर चुके हैं। छपरा जिला अपने हरे भरे खेतों और मेहमान नवाजी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यह जिला कुल 2641 किलोमीटर स्क्वायर के विशाल एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों अगर हम पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड को देखें तो यह जिला साक्षरता के मामले में काफी तेज गति से आगे बढ़ा है। यहाँ के वर्तमान साक्षरता दर 67.17% का है। अब अगर बात करें इस जिले के इतिहास के बारे में तो साल 1866 में इसे तिरहुत प्रभाग का एक भाग बनाया गया था। फिर 1908 में इस जिले को चंपारण जिले से विभाजित करके एक नए जिले की मान्यता प्रदान की गई, जिसे आज हम सारण जिला के नाम से जानते हैं। इस जिले के उत्तर में गोपालगंज जिला, उत्तर पूर्व में मुजफ्फरपुर जिला, पूर्व में वैशाली जिला तथा दक्षिण पूर्व में पटना जिला स्थित है। अब अगर बात करते हैं छपरा जिले के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में तो यह जिला रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, इस जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन छपरा जंक्शन है, जिसमें कुल 5 बड़े प्लेटफॉर्म है। यह रेलवे स्टेशन प्रयागराज वाराणसी छपरा लाइन बरौनी पर स्थित है, जहाँ से आप भारत के प्रमुख शहरों की यात्रा कर सकते हैं। सड़क मार्ग, सारण जिले में कुल छोटे बड़े 11 बस डिपो मौजूद हैं, जहाँ से आप पूरे भारत की यात्रा कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इस जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में तो इस जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है फन एडवेंचर वाटर पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, आरा छपरा ब्रिज, सोनेपुर, अशोक स्तंभ। दोस्तों इस जिले को जितना भी एक्सप्लोर किया जाए कम है। दोस्तों आप सभी को हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।